ये जरा श्रीलंका का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है, ये मैं आप चारों की खिदमत में पेश करता हूँ। ये जरा देखिए स्क्रीन के ऊपर आपकी आ रहा है, दिस इज द बेस्ट बॉलिंग एवरेज बाय स्पिनर्स इन ओडीआईज इन 2023 एंड श्रीलंका इज राइट ऑन टॉप देयर विद 23 मैचेस एंड 86 विकेट्स एट 24.06 इकॉनमी ऑफ 4.91। नहीं बिल्कुल, और इनका जो उनमें से एक स्पिनर नहीं है ऑब्वियसली हसरंगा इज इंजर्ड, इज नॉट ऑन द टूर विद द श्रीलंकन टीम, बट टिक्शाना इज़ अ वेरी डेंजरस स्पिनर। और अभी ऑफ एयर हम डिस्कस कर रहे थे ये दोनों, बड़ी सीरियस डिस्कशन, मैंने कहा यार टीवी पे भी बोल देना थोड़ा जहा अबाउट यू नो थ्री टॉप बैटर्स यू आर टॉकिंग अबाउट अगेंस्ट स्पेन अर्ली ऑन स्पेशली। ऑब्वियसली आप लोग ये कह रहे थे कि रिजवान और साउथ शकील वो अटैक भी करते हैं, रोटेट भी करते हैं, बट पहले तीन यू आर सेइंग थोड़ा फंस जाते हैं। पहले तीन जो हमारे बैट्समैन है नॉर्मली क्या होता है वो फास्ट बॉलिंग, तीनों बैट्समैन बता दें कौन से हैं, बिकॉज़ जी फखर इमाम और ऑब्वियसली बाबर, राइट, दे लाइक पेस ऑन द बॉल। अगर फास्ट बॉलर आता है तो नॉर्मली वो दे आर हैप्पी, उनके पास शॉट्स हैं, कट शॉट, पुल, ड्राइव, सारा कुछ खेलते हैं, पेस चाहिए उनको। बट व्हेन स्पिनर्स जस्ट कम एट दैट टाइम, स्पिनर को आपको अंडर प्रेशर करने के लिए इंटेंट शो कराना ज़रूरी है, जो कि रिजवान कर रहा है। आते ही उसकी एक रिलीज शॉट है, स्वीप मारेगा, फीट भी यूज़ करता है, स्लॉग स्वीप भी खेलता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली स्पिनर को अपनी लेंथ को और पेस को अल्टर करना पड़ता है, उसमें आपको चांसेस मिलते हैं रन्स करने के। सऊद इसी तरह सारी शॉटें खेलता है, वो पैडल स्वीप भी खेलता है, वो अंदर जो थर्ड मैन की तरफ भी खेलता है, उसके बाद फीट यूज़ करके सामने भी मारता है, स्लॉग स्वीप भी अच्छी खेलता है। तो स्पिनर को ये पता होता है मुझे कहीं ना कहीं अटैक करेगा, वो भी कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, वो चेंज करता है तो देना आपको रन्स मिलते हैं। तीनों बैट्समैन अनफॉर्चुनेटली एक तो फॉर्म उस तरीके से नहीं है, दूसरा जब इनको स्लो बॉलिंग होती है स्वीप का भी ख़तरा नहीं है स्पिनर को, और ये भी नहीं कि यार ये हमारे पे अटैक करेंगे, देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्कोर रन्स। स्लो डाउन करते हैं वो, जैसे हमने देखा आर्यन दत्त ने जैसे बॉलिंग की, स्लो डाउन, थोड़ा दूर दूर बॉलिंग कर रहे हैं। अब आपके पास चांस क्या है, या तो फीट यूज़ करें या उसको स्वीप मारें अंडर प्रेशर करने के लिए ताकि वो कुछ चेंज करे। अगर आप कन्वेंशनल उसी तरह खेलते रहेंगे तो प्रेशर आप पे बिल्ड होता जाएगा एंड देन यू बेसिकली इसमें जब पहले तीन बैटर्स खेलते हैं तो दो फील्डर्स बाहर होते हैं 30 yard सर्कल की, क्योंकि वो पावर प्ले है, तो उसमें स्ट्राइक रोटेशन बहुत कम हो जाती है। सिर्फ इनको ये करना चाहिए कि फर्स्ट 10 overs में अगर स्पिनर्स आ रहे हैं तो उसमें ये फीट यूज़ करके बड़ा शॉट खेलें, right, ताकि वो आपको बैट बॉल्स दें, थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करेंगे, फिर आप उसे प्लेस कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस आता है तो वो क्या फील्ड रखेगा राइट हैंड के लिए, वो राइट हैंड के लिए मिड ऑफ रखेगा या स्वीप रखेगा, जो स्वीप खेलते हैं नहीं तो मिड विकेट टाइप रखेंगे फील्डर। okay. ये दो फील्डर्स यूजली लेफ्ट फखर के लिए क्या रखेगा, ये फखर के लिए मुझे लग रहा है ये जाएगी मिड विकेट जाएगी और मिड ऑन जाएगी, लेकिन स्पिनर को ऑपरेट करने के लिए जब तक आपको छक्का नहीं मारना आता एज अ बैटर आपको वो तंगी करे रखेगा, तो इसीलिए जब साउथ शकील और रिजवान आते हैं तो वो सर्कल खुल जाता है, स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलते हैं जिसे हॉरिजॉन्टल शॉट्स कहते हैं, फिर डाउन द ग्राउंड भी अच्छा खेलते हैं, तो जिसकी वजह से उनका कभी भी गेम या कोई भी स्पिनर उनके रन्स नहीं रोक सकता। फेयर इनफ जी, विद इन द विकेट्स बॉलिंग करते हैं, नए बॉल से बहुत ही मुश्किल होता है, जैसे जी 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 सभी ने बताया कि भाई आप निकल के एक आधा शॉट मारें तो प्रेशर में आते हैं, यू नो इनकी क्वालिटी, एक तो लो ट्रेजेक्टरी पे बॉल करते हैं, विद इन द स्टंप्स बॉल करते हैं और वहाँ से नया बॉल एक आधा स्पिन हो जाता है, कल भी हमने ये बात की थी, वहाँ मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए फिर अपने आप को प्लान करना। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ना उनको सिंगल क्रिएट करने नहीं आते, वो बिल्कुल कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हुए तो न्यू बॉल बिल्कुल सही कहा मोइन, कल का याद रखें कि कल न्यूजीलैंड के जो बैटर्स थे शुरू के वो नेदरलैंड्स के स्पिनर्स के आगे तीन मेडन ओवर्स उनको या पहले तीन मेडन ओवर किए, फिर आई थिंक 10 ओवरों में 42 डॉट बॉल्स, व्हिच इज नेदरलैंड्स स्पेशलिटी, देयर या दे दे सो ये प्रॉब्लम तो है पहले, बट आई एग्री विद मोइन एंड बोथ शुएब एंड इवन मिसबा कि स्पिनर पे आपने थोड़ा सा अटैक रखना है पहले 10 ओवरों में, बिकॉज पावर प्ले का थोड़ा फायदा, सेफ शॉट्स, नॉट सेइंग कि स्लॉग करो, थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट के साथ। ये टी20 में भी तो मारते हैं स्विप्स, ये लोग नए बॉल पे आके मारते हैं, क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलते हैं।